वेलकम बच्चों, अब हम आज को आपको पढ़ाएंगे मात्रा और शब्द। हिंदी व्याकरण में आज पढ़ाएंगे आपको मात्रा और शब्द। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्ण कितने हैं हिंदी में। हिंदी में वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन। कितने हैं वर्ण हिंदी में? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा है क्या? आप कहिएगा मैम मात्रा क्या है? तो व्यंजनों के साथ स्वरों को जब मात्रा के रूप में जोड़ते हैं तो वह क्या बनता है? शब्द बन जाते हैं। व्यंजनों में स्वरों को हम मात्रा के रूप में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। जैसे देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा कहाँ से शुरू होती है? आ से। तो का, क, क जोड़ अ, क, क, क जोड़ आ, का, क जोड़ ई, हर सही, क जोड़ ई, दीर्घ गई, क जोड़ ऊ, हर सऊ, क जोड़ ऊ, दीर्घ ऊ। उसके बाद री की मात्रा, री से ऋषि, ए, जिसके ऊपर शब्द के ऊपर अभी आपको पढ़ाई हूँ कि शब्द के ऊपर एक पाई, एक पाई जिसमें रहता है केला, मेला, शेर, इन इन सबों में क्या है? एक ही मात्रा। ऐ की मात्रा, शब्द पर दो पाई लग जाता है तो क्या हो जाता है? ऐ की मात्रा। क जोड़ ओ, को, कोयल, है ना, क जोड़ ओ, इसमें ओ की मात्रा, कोयल, सोर, ये सब क्या है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जिसमें दो पाई हो, को, क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंक, है ना। इस तरह से मात्रा पढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए शब्द लिखे हुए हैं, की कोई मात्रा नहीं होती, कहाँ से शुरू? का, काला, की, कितना, दीर्घई, कील, कुहर्षऊ, कुर्सी, दीर्घऊ, कूटना, क्री, कृपा, हृदय। बहुत सारे शब्द हैं, आप बुक में पढ़िएगा, देखिएगा कितने सारे शब्द हैं। हृदय, हाँ, घृत, घृणा, बहुत सारे शब्द हैं। इस तरह से आप बुक से खोज खोज के री की मात्रा, ऋषि, ये सब शब्द हैं, इसको ध्यान से आप पढ़िए, सारे शब्द मिलेंगे आपको बुक में। के, केला, शेर, सेब, पेड़, ये सब इतने शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। कै, कैसा, जैसा, वैसा, है ना। इस तरह के शब्द आप खोज करके ऐ की मात्रा, के, कै, को, कोयल, है ना, यहाँ है कोयल, कौ, कौआ, है ना, लौकी, जितने भी हैं मात्रा, वो सारे मात्राओं को खोज करके आप कॉपी में लिखिए। मात्रा कहाँ से शुरू होती है? आ से मात्रा शुरू होती है। और अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा शुरू होती है आ से। क में आकर का, ल में आकर ला, काला, हाँ, क, का, क, सिर्फ क, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा शुरू होती है आ। आ मतलब आकार, शब्द में जब आकार खींचा जाए, जैसे काला, लाल, है ना। इस तरह से आप खोज के सही मात्रा का प्रयोग कीजिए। और व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? शब्द बनते हैं, या स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनते हैं, है ना। जब, तब, ये सब क्या है? शब्द है, दोनों को जोड़ दिया आपस में, अकेला कुछ भी, क, सिर्फ क है, इससे तो कोई शब्द बना नहीं। और इसमें आकार लगा देंगे, क में आकार का, ल में आकार ला, काला, ल में आकार ला,
लो लाल, ये क्या हो गया? एक सही शब्द बना जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। लल लल से कोई शब्द नहीं हुआ ना, उसमें आकार अगर हम नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ बोल देंगे लो लो लल लल, तो क्या होगा? निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लोग सोचेगा ये पागल है, पागल की तरह बोल रहा है ना। इस तरह ऐसा शब्द बनाइए जो सार्थक हो, निरर्थक नहीं। बस अब हम खत्म करते हैं। अब समझ गए ना कि मात्रा वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। हिंदी में वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। और व्यंजनों में स्वर वर्ण को जब मात्रा के रूप में लेते हैं, मात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो आ से। और की कोई मात्रा नहीं होती, आ से शुरू होती है मात्रा। तो जब हम आ की मात्रा वाले शब्द लिखें, आपको प्रश्न देती हूँ कि आप 10 आ की मात्रा वाले शब्द लिखें। बस आ की मात्रा हम शुरू करेंगे, काला लाल, है ना। इस तरह से आप 10 शब्द बनाए, हाथ, इस तरह से खोज खोज के आ मतलब आकार, बड़ी ई की मात्रा, ह्रस्व उ दीर्घ उ की मात्रा से शब्द बनाए। आप खोज खोज के अपनी बुक से सभी शब्द को इकट्ठा करें और बार बार अभ्यास करें, है ना। जितने भी प्रश्न उत्तर मैं दी हूँ उसको याद करें, कंठस्थ करें, और जितना पढ़ना आना चाहिए उतना ही लिखना भी आना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, एक जैसा। ताकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते। कुछ बच्चे हैं जो लिखते हैं, बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों समान रूप से होना चाहिए। और उच्चारण हमेशा शुद्ध शुद्ध करें। जैसा उच्चारण होगा वैसी लिखावट होगी। आप शुद्ध उच्चारण करेंगे। एक बच्चे ने कॉपी में लिखा था मछली को मछड़ी, क्योंकि उसका उच्चारण यही था मछड़ी, इसलिए उसने कॉपी में लिख डाली मछड़ी। लेकिन क्या होता है? मछली लौदुर्गी कर ली मछली। इसलिए हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ मात्रा को ध्यान में रखे, गड़बड़ा नहीं है और बार बार अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।